इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी, नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नथी बाई जी जैन, विंध्या इंजी रेवा की ओर से पुत्र एवं पुत्र वधु श्री त्रिलोक चंद्र जैन, श्रीमती रानी जी पुत्री एवं दामाद श्रीमती श्वेता जैन, श्री प्रसन्नजीत जी पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री संजीव जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश अदिति, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री राजीव, श्रीमती साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन। फर्म विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस सेवा, ब्रांच ऑफ विंध्या इंजीनियरिंग को सतना, विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस इंदौर। ये पूछो, यहाँ पर भी कुछ पक्षपात की बातें देखने में आ रही है, इसमें गलती किसकी है? मुखिया तो सौधर्मेंद्र है, अपने अपने परिवार वालों को, अपने अपने स्वर्ग के लोगों को ये बिठा देते होंगे, लेकिन एकदम आरोप लगाना तो ठीक नहीं, लेकिन फिर भी दूसरे के माध्यम से लगा दिया। फिर वहाँ से अपने आप ही ध्वनि इसके उत्तर के रूप में आ जाती है। अच्छे हैं ये लोग, पूछने में कमज़ोर है, दूसरे के माध्यम से करते हैं, इसमें भी डबल खर्च होता है, ये उन्हें ज्ञान नहीं है। इसलिए कि वह भगवान कहने लग जाएंगे, तुम लोगों ने इसके बारे में नहीं सोचा, जिस समय धर्म कर्म करते रहे उसके लिए जैसे आप अष्टमंगल द्रव्य चढ़ाते हैं ना, चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं, वो हमने सुना था, इसलिए आज जो करते हूँ आपके सामने रखता हूँ। उसके चावल भी आप चढ़ाते हैं और बादाम भी चढ़ाते हैं, फल छुआरा भी चढ़ाते हैं और लौंग भी चढ़ाते हैं, केसर भी चढ़ाते हैं, इन सब वस्तुओं के कुछ डुप्लीकेट क्या बोलते हैं तुलनात्मक दृष्टि से आप लोगों ने अध्ययन किया होगा, अरे चढ़ाना है, ये भगवान बन गए वो तो ये खाएंगे पियेंगे तो कुछ है ही नहीं, इसलिए ये चढ़ाने के द्रव्य अलग है और इधर चढ़ाने के द्रव्य ये दूसरे बार में तालियां बजा दी, पहले बार में क्यों नहीं बजाई? समोसर में भी चर्चा होती है क्या, क्यों नहीं होती? उसी के बारे में मैं आगे बता रहा हूँ। तो चावल खाने के अलग है, चढ़ाने के अलग है, और केसर जो कौन से वो फूल होते हैं, हार और श्रृंगार, हार श्रृंगार फूलों के वह केसर चढ़ाने के लिए है और यहाँ के लिए कश्मीर, कश्मीर से विनायक से भी आ सकती वह केसर, उसकी सेवन करने से शरीर अपने आप में ही बादामी कलर का हो जाता है। हाँ ये तो बात हो गई, तो यह अपने आप में इनके जो शरीर है कुछ न कुछ खाते होंगे पीते होंगे तभी इसने, हाँ बिल्कुल ठीक है,
उनके खाने की चीज़ों में, पहनने के वस्तुओं में, देखने के वस्तुओं में, वाहनों के वस्तु में, वस्त्रों के अपेक्षा से, भवनों की अपेक्षा से, इस प्रकार इनकी वस्तुएं हमसे ज़्यादा अलग गुणवत्ता लिए क्यों हैं? ये कौन से दुकान से ले आ रहे हैं? सोचा तो उत्तर मिलता है, तुमने इसी प्रकार के पूर्व भाव में खरीदे, वो आज काम में मिल रहे हैं। धर्म के लिए तो तुमने घटिया रखा और खाने के लिए तुमने बढ़िया रखा, ये परिणाम निकला। पूजन में भी भावों के बार होना चाहिए वह अलग, और अपने आपसी जो चर्चा वगैरह जो होते मनोरंजन उसमें अलग। ये सारी सारी हमारी मनोमीमांसा, यूँ कहना चाहिए, इस बहुत लंबी चौड़ी है। आप लोगों को भी फुर्सत है ही नहीं, और हमारे पास तो समय बहुत ही कटौती से चलता है। इतना ही कहना चाह रहा हूँ। अब जब ये आ गया कि आपके मन में दो बातें हैं, इसलिए ये सामने सामने बातें आ गए। आप समझ रहे हो, आप उनसे भी बढ़कर के लिए काम करना चाहते हैं तो मिल सकता है, लेकिन दिखावट नहीं। ये दिखाने की जो बीमारी है, इसमें कहीं पेट तो भरता तो है ही नहीं। दिखा दिया, खा दिया तो कम से कम पेट भरे, अब दिखा दिया तो कई लोगों के पेट जो है ना दिखाने से भरते हैं, अच्छे हैं वो पेट, बिना खाए भी भर जाते, लेकिन जब चक्कर आ जाते हैं तो जब पेट भरने के उपरांत चक्कर क्यों, ये चक्कर क्यों आ रहा है? ये महाराज शुगर की बीमारी होने से ऐसा। अरे हमने तो आज तक नहीं सुना था शुगर की बीमारी। हमने तो ये सुना था जब गुड़ की बीमारी शुगर की बीमारी को मिटा सकती है तो ऐसा क्यों नहीं करते हो आप, बोलो महाराज। ये तो आपने नई बात बता दी, बिल्कुल ये आपकी ही बात है। गुड़ के द्वारा शक्कर की बीमारी ठीक हो जाती है। हमारे आचार्यों ने गुड़, खांड, शक्कर और अमृत, ये चार प्रकार के कर्म के फल बताए ना, थोड़े से गोमट सार वगैरह पढ़ाए करो। हाँ, तो ये चार प्रकार के जो अनुभाग होते हैं, इसमें गुड़ को नीचे रखा और शक्कर को या खांड को दूसरे नंबर पर रखा, तीसरे नंबर में शुगर को रखा, शर्करा। अब अंतिम नंबर में क्या रखा, अमृत रखा। लेकिन हमने सोचा है अमृत भी मीठा होता है तो शक्कर की बीमारी वहां पर भी होना चाहिए, नहीं होते? ये तो ज्यादा होने चाहिए, बल्कि गुड़ से कम होती है, होती ही नहीं। और जैसे जैसे ये अनुभाग बढ़ते चले जाएंगे तो मीठास ज्यादा होगा, तो स्वर्ग में हमेशा हमेशा सभी लोग शक्कर की बीमारी से ही झूलते होंगे। तब मालूम पड़ा कि यह वस्तुतः है हमारी गलती है, हम भावों में घटिया हो जाते।
गुरु तो गुड़ रह गए, नहीं सही ऐसा आता ना, हमने सुना है आप ही लोगों के मुख से, गुड़ तो गुरु होते हैं, गुरु तो गुड़ होते हैं और चेला शक्कर। आज जितने भी चेले हैं नहीं समझे, ये एक प्रकार से गुड़ से भी आगे के वो शक्कर की बीमारी आ गई। भट्टाचार्य महाराज इसको पेट में था तभी तो शक्कर की बीमारी हो गई, हाँ पेट में था तभी से चश्मा लग गया था, और पेट में था तभी से बैंक में इसके लिए एडवांस में भाग्य है इसका। स्थिति कुछ अलग है जब ये तुलना करते हैं, हमारे दोष ही सामने आ जाते हैं। जब यह दिव्य ध्वनि के द्वारा स्पष्ट हो गया, जिसकी शंका दूसरे के माध्यम से दी गई थी, वह सोच रहा कि ये तो हमारी पूरी पूरी बात ही आ गई, गलती तो हमारी है ही है, इनकी कोई गलती नहीं है। तो इस प्रकार का काम हमारे परिणामों के द्वारा होता है, हमारे परिणामों के द्वारा कर्मों के फल हमारे सामने आ जाते हैं, और उस समय पंगत में बैठने के उपरांत अपनी थाली की ओर कम और दूसरे की थाली की ओर ज़्यादा क्या दृष्टि जाती है। दृष्टि भी बहुत चाहनी है, हाँ आपको अपनी थाली की ओर देखना चाहिए। इसीलिए आचार्य ने कहा है तुम अपने अंजलि बना लो, बस उसी ओर देखो, हाँ दूसरे की ओर नहीं देखना। लेकिन बड़े बड़े सेठ साहूकार भी दूसरे की थाली की ओर ज़्यादा देखते हैं, हाँ अपनी थाली सोने की है वो तो दिखावट है, खाने की नहीं। ऐसा हो रहा, इसलिए हमें अब अपने दृष्टि को प्रशिक्षित करना है। दूसरे से प्रशिक्षित हो या ना हो, किंतु अपने को दृष्टि को प्रशिक्षित करने के लिए कोई विद्यालय नहीं खुल रहा है। ऐसे विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाओ, कोई भी विद्यालय मिलता नहीं महाराज। यहाँ पर आ जाओ और सुन दो और चले जाओ, अपने आप ही आ जाएगी विद्या। समोसरणी इसीलिए है, महाविद्यालय है वो, विश्वविद्यालय है वो, सब प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल जाते हैं, तब उसको ज्ञात हुआ। इसको बोलते हैं देवों में आपस में यह तुलनात्मक जब चर्चा होती है उसको देवर्धि दर्शन, सम्यक दर्शन बोलते हैं। दूसरे के रिद्धि को देख करके भी आप अपने सम्यक दर्शन को सुधार सकते हो और आगे के लिए अपने सम्यक दर्शन को और पुष्ट बना सकते हो। समय आपका हो गया, इतना पर्याप्त है, पेट भर गया,
हाँ, और दोबारा जो भोजन और करेंगे उसके बीच में आचार्य ने कहा कम से भी गृहस्थ है तो 3-4 घंटे का अंतराल रखे, और योगीराज महाराज हैं तो वे 1 दिन का अंतराल रखे। फिर भी ज़्यादा और चाहते हैं, जितने आप अंतराल रखोगे भोजन के बीच में उतने ही आपकी तपस्या बढ़ेगी, और जिसके द्वारा अपनी रुग्णता क्यों पारना नहीं करना, हाँ हो जाएगा धारण और पारण। पार होना चाहते हो तो अपनी दृष्टि को आप बहुत ही मांझो और उसके द्वारा आगे बढ़ो। सामने वाला व्यक्ति भी कहेगा कि आपने हमारी ओर देख करके अपनी दृष्टि सुधारी, तो अब हम आपके दृष्टि को देख करके और आगे बढ़ेंगे, हमारा तो स्वर्ग दूसरा और बढ़ेगा। और उस समय आप अब ऐसा नहीं करियो, हम और दोनों हाथ मिलाओ होगा, पक्की बात है ये। इसलिए आप लोग एक एक सम्यक दृष्टि को बढ़ाते 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 चले जाओ, पढ़ाने की बात नहीं है, केवल हम अध्ययन करें। अध्ययन में हमेशा हमेशा स्लेट बढ़ता कागज वो ये कोई आवश्यकता नहीं। अधिअयनम इति अध्ययनम, अधि आसमंतात निकट रूपेण अयनम गमनम इति अध्ययन कहलाता है। इसलिए हम अपने आप को अध्ययन का विषय बनाएं, इतना ही पर्याप्त है। बच्चे हमेशा हमेशा हाथ का खाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी हमें और ये तो उनकी आदत पड़ी हुई है, शुरुआत से लेकर के आए हैं, खाओ तो सही, पेट तो भर नहीं रहा अभी, नहीं समझे हाथ, क्योंकि हाथ भरा हुआ है तो पेट खाली रहेगा। इसलिए आप भूख बढ़ाइए, फिर तो क्या, ये क्यों दोनों हाथ से आप खा सकते हो। यहाँ पर कौन कौन बताओ, हाथ उठाओ, दोनों हाथ से खाता, हम लोगों को छोड़ करके अहिंसा पर धरो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में, धर्मपत्नी श्रीमती नथी बाई जी जैन विंध्या इंजी रेवा की ओर से, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री त्रिलोक चंद्र जैन श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती श्वेता जैन श्री प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री संजीव जैन श्रीमती ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश अदिति, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री राजीव श्रीमती साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री प्रदीप कुमार श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन परी जैन हार्दिक जैन। फर्म विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस सेवा, ब्रांच ऑफ विंध्या इंजीनियरिंग को सतना विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस।